अगर आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और अपने शॉर्ट्स चैनल को मोनेटाइज करके उसके थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं तो ये थोड़ा इजी नहीं होने वाला है। तो आप लोग का अगर कोई शॉर्ट्स चैनल है उसके थ्रू आप लोग पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए एंड उसके बाद आप लोग अपना चैनल एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपने कहीं ये गलती कर तो नहीं दी है। अगर आपने ये गलती कर दी है तो उसको कैसे सुधारना ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा तो भाई मेरी कोई गलती नहीं अगर आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहला चीज तो है रियूज कॉन्टेंट, भाई इसने नाक में दम कर रखा है। रियूज कॉन्टेंट जैसा कि आपको नाम से ही पता चल होगा, रीयूज करना मतलब किसी कॉन्टेंट को आप दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रियूज्ड कंटेंट में आ जाता है। अब भाई शॉर्ट्स चैनल तो ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल करना ही पड़ता है और खासकर फैक्ट्स वाले चैनल तो ऐसे हैं जो दूसरे के कंटेंट के दम पर ही चलते हैं, मतलब उनमें जो भी क्लिप्स होते हैं वो दूसरे का होता है वो इस्तेमाल करते हैं तभी जाकर कहीं उनके चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छे खासे ऑडियंस रिटेंशन आते हैं। तो ऐसे में भाई रियूज्ड कंटेंट से कैसे बचना है? तो देखिए रियूज्ड कंटेंट में प्रॉब्लम तब आती है जब आपने किसी का वीडियो इस्तेमाल किया और ना ही आपने उसमें कोई क्रिएटिविटी की और ना ही आपने उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट किया है, तब जाकर वहां पर प्रॉब्लम आती है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो अगर आपने किसी का वीडियो एज इट इज इस्तेमाल कर लिया और आपने उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं की तो ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं होते, रियूज्ड कंटेंट में आ जाते हैं। YouTube का सिंपल सा कहना यह है कि आप दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल कीजिए लेकिन उसमें आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मतलब आप मान लीजिए किसी का भी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें अच्छे से वॉइस ओवर कीजिए, अच्छे से अपना कंटेंट दीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर तभी आ जा रही है, काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो अपनी वॉइस ओवर कर रहे हैं फिर भी उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जा रहा है शॉर्ट्स वाला, तो उसमें प्रॉब्लम वहां पर आ रही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं या तो वो गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या तो गाली गलौज या कुछ मारपीट वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो जा रहा है। और कई सारे लोग तो ये गलती कर रहे हैं कि जो वीडियो बना रहे हैं उसमें तो वो वॉइस ओवर कर रहे हैं लेकिन बीच में जब बारी आ रही है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर की तो वो वहां पर किसी और का क्लिप लगा दे रहे हैं, चाहे मिस्टर इंडियन हैकर या क्रेजी एक्स वाई जेड या किसी बड़े क्रिएटर का वीडियो लगा दे रहे हैं और वो बोल रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया तो लाइक करो। तो ऐसे में भाई वहां पर रियूज्ड कंटेंट आ जाएगा। और अगर वॉइस ओवर से केवल काम ना चले तो आप हो सके वहां पर अपना फेस कैम दीजिए, जैसे आपने A2 मोटिवेशन का चैनल देखा होगा वो फैक्ट बताते हैं तो साथ में अपना फेस भी वहां पर लगा कर रखते हैं। और उसके बाद देखिए काफी सारे लोग शॉर्ट्स चैनल में ये गलती कर रहे हैं कि कई सारे फोटो डाउनलोड कर लेते हैं सेलिब्रिटीज के या सेलिब्रिटीज के एडिट्स बना रहे हैं उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर और कुछ रिमिक्स वगैरह ऐड करके, तो ऐसे में भी चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे हैं। ओके तो आप अपना खुद से क्रिएटिविटी कीजिए, म्यूजिक वगैरह मत लगाइएगा। और अगर आप लोगों ने अपने चैनल पर इंस्टाग्राम के रील्स को अपलोड किया है या फिर कोई मूवी क्लिप अपलोड किया है या व्हाट्सएप स्टेटस शायरी वीडियो ये सभी चीजें अगर डाल रखी है तो भी आपका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अब ये सारी चीजें तो आगे रियूज्ड कंटेंट में, अब अगला जो चीज है वो रियूज्ड कंटेंट से बाहर आ जाता है, ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग अपने शॉर्ट वीडियो में कोई भी म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं और वो शॉर्ट्स के बाहर से इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने डांस वीडियो बनाया, अब डांस वीडियो बनाकर आपने किसी ऐप में उसको एडिट किया, उसी से उसमें म्यूजिक लगाया, बाहर से म्यूजिक लगाया है, उसके बाद उसको एडिट करके जब आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तो वहां पर आपको कॉपीराइट मिलेगा और ऐसे चैनल मोनेटाइज भी नहीं होंगे। लेकिन अगर वहीं पर आप अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाकर शॉर्ट्स वाले ऑप्शन में जाकर अपने मोबाइल से ही डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और उसके बाद ऑडियो लाइब्रेरी से जाकर कोई भी म्यूजिक या कोई भी गाना लगा लेते हैं अपने शॉर्ट वीडियो में तो ऐसे में आपका शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ये सभी चीजें आपको सबसे पहले अपने चैनल पर चेक कर लेनी है कि आपके चैनल पर कहीं ये दिक्कत तो नहीं है, और अगर ये दिक्कत है तो आपको अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उन सभी वीडियोस को हटा देना है, प्राइवेट कर देना है या फिर डिलीट कर देना है। लेकिन डिलीट करने से पहले आपको दो चार वीडियो को वायरल कर लेना है जिसमें ये दिक्कत ना हो, फिर इन सभी वीडियोस को हटाइएगा। वरना अगर आप अपनी वीडियोस को अचानक से डिलीट कर देंगे तो आपके चैनल का इंप्रेशन और व्यूज अचानक से डाउन हो जाएगा और इससे आपके चैनल पर बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो अगर आपके चैनल पर ऐसा कोई भी कंटेंट है तो पहले उनको रिप्लेस कीजिए, नया कंटेंट डालिए उसके जगह पर और धीरे धीरे उन सभी कंटेंट को हटा दीजिए, फिर उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका मोनेटाइजेशन अच्छे से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए रियूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ गया, तो आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है। 30 दिन के अंदर आपको वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके फिर से रीअप्लाई करना होता है और 30 दिन के बाद अप्लाई करने के बाद आपको वहां पर एक अपील का वीडियो भी बनाना पड़ता है और उस वीडियो में आपको बकायदा बताना भी पड़ता है कि इस चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे ओरिजिनल कंटेंट हैं, सभी मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, मैंने खुद से बनाए हुए हैं, ये सभी आपको एक्सप्लेन करना होता है। वो आप बाद में समझ लीजिएगा, पहले आप देख लीजिए कि कहीं आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से काम कीजिए ताकि आपके चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।